स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान, खतौली में इस वक्त हूं। ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। लगभग 3 घंटे हो चुके, बीत चुके मतदान को। आज सुबह सुबह कोहरा था, लेकिन अब जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अपना मतदान करके यहां पर आ चुके। अपनी उंगली आज दिखा दीजिए, मतदान आप करके आए हैं, कितना अच्छा लगा मतदान करते हुए? सुबह सुबह आ गए जी? हाँ, बहुत उत्साह था। जी हाँ, बहुत खुशी हुई। मैं ये तो नहीं पूछूंगा आपने वोट किसको दिया, कहाँ दिया, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा मुद्दा क्या रहा? नाम पर दिया, काम पर दिया, पहचान पर दिया? काम पर दिया, नाम पर दिया। ये नाम पर वोट देगा, आप कुछ कहना चाहेंगे वोट देने के बाद? नहीं। अच्छा, तो ये अपना मतदान करने के बाद यहाँ से निकलते हुए इधर भी कुछ लोग, आपने अपना मतदान कर दिया कि विचार चल रहा अभी? विचार चल रहा है अभी, मन में तय नहीं हुआ? नहीं, तय है। तय है? अच्छा, तय है, मोहर तो इनकी तय है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मतदान यहाँ पर शुरू हो रहा है। ये ब्लॉक सरदना केंद्र कंपोजिट विद्यालय भैंसी का है और यहाँ पर इस वक्त मतदान चल रहा है। सुबह से सुरक्षा व्यवस्था बहुत जबरदस्त तरीके से, लेकिन जो सुबह कोहरे की वजह से जो भीड़ कम थी, अब कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पर मतदान करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मतदान केंद्र यहाँ पर बनाया गया। सुबह मैंने बाहर आपको दिखाया कि मतदान करने के बाद महिलाएं जो हैं वो लगातार बाहर आ रही हैं। महिलाओं की संख्या ज्यादा है। आपने मतदान कर लिया भैया अपना? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ है। किस मुद्दे पर मतदान किया? नाम पर, काम पर, पहचान पर? नाम पर। नाम पर, तो ये अपना नाम पर मतदान। अपनी उंगली कैमरे के सामने दिखा दीजिए, और ये अपना मतदान करके आए, आ चुके हैं कुछ लोग, अब जा रहे हैं। तो और यहाँ पर देखिए व्यवस्था पूरी गई है, जिनके पास पर्ची नहीं है वो इधर से यहाँ पर अपना, ये किस लिए है जी यहाँ पे? बीएलओ जी, यहाँ पर ये जे ये है, और भी लोग जो है देखिए आप। लेकिन अभी जो केंद्र के अंदर जो लाइनों की खचाखच दिखती है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो खासकर वो यहाँ पर अभी नहीं। आज भीड़ कुछ कम है, लोग अभी निकले नहीं क्या घरों से? अभी आने लगे, खेत से काम करके आएंगे सब। अच्छा, काम निपटा के होगा? हाँ जी, हाँ जी, होगा जरूर, हो रहा। वैसे मुद्दा क्या था इस बार? नाम पर दिया, काम पर दिया, पहचान पर दिया, ये मत बताना वोट किसको दिया, लेकिन मुद्दा क्या सोचकर? मुद्दा सोचकर दिया, हमारा यहाँ का जो विधायक था बदतमीज किस्म का, बदतमीज करे सबसे, सुबह भांग पीली, उल्टा सुधा बकवासबाजी करनी, और जो कहा उसका सम्मान नहीं दिया, इससे लोक दल वोट कर रहे। अच्छा, आप क्या सोचकर वोट करने? हम किसानों के मुद्दे वोट दे रहे हैं, किसानों के मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। और इधर और भी लोग हैं, आपने आज खेत नहीं गए, आज सीधा सबसे पहले मतदान है आज? कितनी खुशी है? बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा। कुछ आपका भाग्य बदलेगा ये मतदान? हाँ, आपको लगता है? हाँ, बदलेगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं, और सुरक्षा व्यवस्था अपने आप में यहाँ पर चाक चौबंद है। कई पुलिस वाले और तमाम जो फोर्सेस है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, और तमाम लोग हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जरूर भीड़ है। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ यहाँ पर जरूर भीड़ है, और लोग अपना मतदान करके आ रहे हैं। शांति व्यवस्था आप खुद देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त कतारें जो हैं वो लगी हुई है, सबके हाथ में अपने पहचान पत्र है। और मैं कहूँगा थोड़ा नजदीक से तस्वीर दिखाने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से, अभी सुबह सुबह का वक्त है, लगभग 9:30 बजने को है, और यहाँ पर इस वक्त लोगों के हाथ में अपने जो पहचान पत्र है वो है, और लोग अपना मतदान करने के लिए अंदर लाइनों में कतारों में लगे हुए हैं। हालांकि अभी ये भी है तो यहाँ पर कुछ कम लोग हैं, लेकिन इस वाले अगर उस पर आप देखेंगे बूथ पर, तो यहाँ पर लोगों की संख्या कुछ ज्यादा है, और महिलाएं भी सुबह सुबह इस वक्त अपना मतदान करने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपने मतदान कर दिया जी? हाँ जी। अच्छा, आज सुबह सुबह मतदान, वैसे तो कहा जाता है कि पहले मतदान बाद में जलपान है, तो कितनी खुशी है जी आपको? हाँ जी, बहुत खुशी, बहुत खुशी है। हाँ, तो अपनी उंगली कैमरे के सामने, तो ये इन्होंने मतदान किया है और खुशी इनको जबरदस्त है। लेकिन उस हिसाब से भी जो उत्साह यहाँ पर दिखाई देता है, उस तरीके से इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन लोग आ रहे हैं, लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं, और लोग संख्या अभी धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी, जैसे जैसे और ज्यादा धूप खिलेगी, धूप जैसे जैसे ज्यादा होगी वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ नजर आएगी। लेकिन यह है कि अभी धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा आ रहा है, और मैं कहूँगा उधर की तस्वीरें इस तरीके से दिखाते रहें। और सबसे बड़ी बात कि शांति व्यवस्था लगातार बनी हुई है, जिस तरीके से आपको बता दें उपचुनाव है, और यहाँ पर आमने सामने की टक्कर है, बिल्कुल सीधम सीध टक्कर, बिल्कुल आमने सामने की। एक तरफ तो मदन भैया है जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और दूसरी तरफ उनके ठीक सामने राजकुमारी सैनी है जो विक्रम सैनी की पत्नी है, और विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद
अब उन्हें मैदान में उतारा है। भैया क्या नाम है? सुरेश पाल जी। बहुत जल्दी दे भी दिया वोट की नहीं देगा आज ही? इतनी जल्दी खाली पड़ी सीट है, अभी बाहर खड़े थे बंदर हैं। तो खड़े वहाँ खाली है, क्या हो गया? लोग वोट देने निकल रहे या अभी ठंड लग रही? ठंड की वजह से कोई काम पे जा रहे, कोई लोग चोल में जा रहे हैं। क्या मुद्दा था आपका? हमारा मुद्दा बीजेपी का है? मतलब मुद्दा उद्दा कुछ नहीं, सीधा बीजेपी है सीधा। मतलब क्यों? क्यों बात अपनी वो है। अच्छा, बीजेपी वालों की देनी, हमें तो वोट बीजेपी को देते हैं, बीजेपी के साथ ही हम शुरू से ही। मुद्दा नहीं है कि भाई बिजली सड़क पानी या इस, मैं क्या लेना, मैं तो मजदूरी करनी, खाना पर वोट बीजेपी को देनी बस, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये इनका अपनी राय है कि कुछ भी हो हम अपने मुद्दे के साथ हैं। और यहाँ पर वोट देने के बाद कुछ महिलाएं निकलती हुई, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, अगर वो कुछ बात करेंगी तो उनसे बात करते हैं। आपने अपना मतदान कर दिया जी? एक मतदान कर दिया आपने, अपने वोट डाल दिया? जी डाल दी। कितनी खुशी है वोट डालने के बाद, दूसरा मौका मिला आपकी विधानसभा? बहुत खुशी। किस मुद्दे पर वोट दिया जी आपने? पता नहीं, मुद्दा तो बताओ। नाम पर दिया, काम पर दिया, सड़क बिजली पानी? नहीं हम नहीं बताना, मुद्दा भी नहीं बताओगे? तो लगातार जनता अभी धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर जाती हुई नजर आ रही है, अपना मतदान कर रहे हैं। भाई साहब दिया वोट कि नहीं? तो और भी तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे। फिलहाल जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ। नमस्कार।